हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे आप मित्रों। मैं हूं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव और अपने इस वीडियो में दमन ब्लॉग का दूसरा पार्ट लेकर मैं उपस्थित हूं। साथियों, आपने हमारे पहले ट्रेवल ब्लॉग को बहुत प्रोत्साहन दिया। आपके व्यूज़, कमेंट्स, एप्रिसिएशन और सब्सक्रिप्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तह हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा, हमारी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, हमारे इस चैनल में आपको ढेर सारे एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और स्टूडेंट्स को खूब शेयर कीजिएगा ताकि हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिल सके। आइए देखते हैं खूबसूरत दमन का और भी बहुत सारा एरिया, ढेर सारी प्यारी प्यारी लोकेशंस जो हमारे मन को छू जाती हैं, दिल को अच्छी लगती हैं और आपको प्रसन्नता देती हैं। साथियों, आप जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। हमारे चैनल में अलग अलग जगहों के प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स, और कभी मत भूलिए कि हमेशा हम अपनी प्रकृति को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखें, समुद्र तट पर हमेशा सफाई रखें। लेट्स मेंटेन आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। बड़ा प्यारा सा प्रदेश है, आज मौसम में काफ़ी धुंध है और इससे हम अपने देश के कई क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल दमन में मौसम बहुत ही सुहाना है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं विशाल समुद्र बना हुआ समुद्र नारायण देवता का ये मंदिर, अत्यंत सुरम्य सुंदर। साथ ही साथ ये दमन गंगा नदी जो इस तरफ से प्रवाहित होकर आ रही है और यहाँ अरबियन सी में मिल जा रही है। ये ओवरव्यू है नानी दमन जेटी का। एंजॉय कीजिए और देखते रहिए हमारे ढेर सारे वीडियोस और हमारे ट्रेवल ब्लॉग्स। साथियों, ये मोटी दमन किले में स्थित हरियाली से भरी भूल भुलैया है, जिसमें घूमने टहलने का नैसर्गिक आनंद आप उठा सकते हैं। बहुत ही प्यारी ग्रीनरी है, जब भी दमन आइए यहाँ टहलिए, आपके बहुत सुकून का एहसास होगा। छोटी छोटी लेन्स बनाई गई हैं, अपने साथ अपने बच्चों को भी लाइए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही रोमांचक लगेगा, वो भूल भुलैया का आनंद लेंगे और अपने आईक्यू से वो जरूर अपना रास्ता तलाशेंगे। बेहद सुंदर, हरियाली से भरा हुआ एक प्रशंसनीय प्रयास है दमन दीव दादरा नगर हवेली के प्रशासन का। साथियों, दमन में देश के कोने कोने से लोग आकर रहते हैं और बड़ी प्यार, बड़ी मोहब्बत से यहाँ हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनमें एकता की अनूठी मिसाल है जिससे पूरी दुनिया को सीख मिलती है। दमन में एक तरफ जहाँ प्राकृतिक संपदा भरपूर है, वहीं दूसरी ओर यहाँ ऐतिहासिक विरासत भी खूब देखने को मिलती है, जो हमें अपने गौरवशाली अतीत से परिचय कराती है और उस पर स्वाभिमान और गर्व अनुभव कराती है, तो सीख देती है ढेर सारी और हमें ये समझाती है कि जब जब जीवन में हम संघर्ष का सामना करते हैं, मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, उनसे हम जूझते हैं, तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। और विशाल पारिखा है, विशाल पारिखा है जिसे पुर्तगालियों ने अपने शासनकाल में इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए बनाया। इस पारिखा में काफी मात्रा में जल भरा रहता था, जिसे पार करके ही किले की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से इस किले की सुरक्षा उन्होंने अभेद्य बना रखी थी और संपूर्ण पुर्तगाली शासन उसका कारोबार इसी किले के अंदर से संचालित होता था। पुर्तगालियों के शासन से, उनके दमन से आजाद होने के उपरांत
दमन पर भारत सरकार का अधिकारस्थ हुआ और दमन वासियों ने 19 दिसंबर सन 1961 को स्वतंत्रता का आनंद लिया। उसके स्वाद से परिचित हुए और उनके जीवन में भी खुशियां आई। आज हमारा देश आजाद है। बिल्कुल सरल जीवन जीने वाले अपने सामान्य और सीमित साधनों के सहारे ये मछुआरे लहरों से खेलते हुए समुद्र में अपनी जीविका के लिए मछलियां पकड़ते हुए प्रायः देखे जा सकते हैं। आसमान में तट रक्षक बल अर्थात कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित रहें। हमारी गौरवशाली सेना, पराक्रमी सेना, देशभक्त सेना के अद्भुत शौर्य का प्रतीक है ये तोप। इस तोप का एक गौरवशाली इतिहास है। इस तोप का प्रयोग भारतीय सेना ने 1960 से 1980 के बीच अपने पड़ोसी और शत्रुता के भाव से भरे देश पाकिस्तान को परास्त करने में इसका इस्तेमाल किया है। इसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्टी 55 इंडियन टैंक ने 58 पाकिस्तानी टैंक को तबाह कर दिया था। साथियों, 1 दिसंबर के दिन कुछ समाजसेवी कलाकारों द्वारा रेत पर बनाई गई एक कलाकृति है जो हम सबको एड्स से बचने की प्रेरणा देती है। विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे के दिन ये कलाकृति विश्व को प्रेरित करती है कि हम इस वायरस से सदैव सावधान रहें, जागरूक रहें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साथी, ये दमन म्यूनिसिपल मार्केट है जहां पर आप इंपोर्टेड आइटम्स, इंडियन आइटम्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस म्यूनिसिपल मार्केट का एक व्यू। साथियों, दमन में कई सारे छोटे छोटे सुपर स्टोर भी हैं जिनमें आपकी डेली लाइफ की चीज़ें, किचन नीड्स, ग्रोसरी आइटम्स इजली अवेलेबल हैं। ये भाईजान हिंदुओं की पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली पान सुपारी और नारियल चुनरी बेच रहे हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है और यही दमन की पहचान भी है। इन्हें देखकर मुझे अपनी ही कविता याद हो आई। साथ रहते थे रहते हैं जुम्मन मियां कबीर हरी, फिर न भटकेगी अब ये नई सितर उड़ाई है। मित्रों, ये नानी दमन स्थित सिटी सेंटर बिल्डिंग है जहाँ बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड भी है। यहीं से वापी और वलसाड के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। दोस्तों, ये नानी दमन जेट्टी पर बना हुआ बहुत ही प्यारा सा पार्क है जो अभी हाल में रिनोवेट किया गया है दमन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। यहाँ पर बच्चे ढेर सारे स्विंग्स और एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। मित्रों, संध्या वंदन का समय है। आई आरती करते हैं समुद्र देवता की।
इस बीज को सी फेस बीज कहा जाता है। और देखिए, देखते देखते बारिश की फुहारें झूम झूम कर आने लगी हैं, बहुत मज़ेदार हो चुकी है बारिश। और हम खड़े हैं दमन में सी फेस बीज के सामने। सी फेस से तात्पर्य है कि दूर दूर तक हमारे चेहरे के सामने अविरल अथाह व्यापक समुद्र, दीदार कीजिए अद्भुत नज़ारा, प्यारी प्यारी रिमझिम बूंदें, लेकिन ठंड का नामो निशान नहीं। यहाँ पर आप अपनी इच्छानुसार हॉर्स राइडिंग या स्टिल फोटोग्राफी का भी आनंद ले सकते हैं। लोग खुशियों को फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, वहीं दूसरी ओर पैसे कमाने के लिए मेहनत करते इन लोगों को देखकर मन में बरबस ही प्रशंसा के भाव उठते हैं। दमन प्रशासन द्वारा समुद्र तट पर लगातार विकास कार्य जारी हैं। आपकी इच्छा करे तो अवश्य घूमिए, लेकिन साथियों मास्क जरूर लगाए रखिए। कोरोना के लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बहुत सुंदर नज़ारा रहता है, सुबह का सनराइज हो रहा है और यहाँ एक लंबी मरीन ड्राइव भी है जिस पर आप मॉर्निंग वॉक का मज़ा ले सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं और योगा भी कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये दमन का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। मित्रों दमन का सनसेट बहुत ही प्यारा होता है जब आसमान में बादल नहीं हो, ऐसे में आप बहुत ही सुंदर सनसेट का मज़ा ले सकते हैं, इस सीन को एंजॉय कर सकते हैं। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ मोती दमन जेटी पर वाटर स्पोर्ट्स एरिया में, इसके निकट समुद्र की सतह पर डूबते हुए सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा। दमन में बड़ी प्यारी सी लोकेशन पर स्थित है माँ अंबिका भवानी का यह मंदिर। नवरात्र के पावन पर्व पर माँ का दरबार दिव्य रूप में सजाया गया है दर्शन के लिए शक्तिदायिनी माँ दुर्गा का। समुद्र तट पर अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी करते कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स प्रायः देखे जा सकते हैं। यहाँ पर नानी दमन में पुल पर खड़े होकर सनसेट के अद्भुत नज़ारे को भी देखा जा सकता है। इतना मनोरम दृश्य, इतना प्यारा सीन, अद्भुत नज़ारा, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने समुद्र की सतह पर सोना बिखेर दिया हो। बहुत सुंदर, अमेजिंग सीन। सुनहरी किरणों के साथ समुद्र की सतह पर खड़ी हुई ये बोट्स समुद्र के सौंदर्य में चार चांद लगा देती हैं। के साथ हैं मुन्ना भाई और आप दमन में जब भी हैं देखिए रॉयल बग्घी की सवारी कर सकते हैं आप। और दमन का अभी सुंदरीकरण हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे इनकी बग्घी भी इसको बढ़ाएगी। पूरी एक सीरीज है आप यहाँ देख सकते हैं सुपर अरेबियन घोड़ों की भी, और साथ ही साथ ये बग्घी आपको एक रॉयल लुक देगी। शादी ब्याह में भी आप इसे बुक कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुन्ना भाई का नंबर दे रहा हूँ, अगर आप शादी ब्याह में ऐसी रॉयल सफारी चाहते हैं दूल्हे के लिए दुल्हन के लिए तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। साथियों दमन की खूबसूरत चौड़ी सड़कें हैं जिन पर वॉकिंग करते हुए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ समुद्र तट के अत्यंत निकट होने से यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। ये गर्मा गर्म समोसे, यहाँ का फाफड़ा, जलेबी और खमण
आपकी सारी थकान मिटा देंगे। आइए आनंद लेते हैं प्यारे से टेस्टी गुजराती नाश्ते का। दोस्तों ये फाफड़ा जलेबी और खमण है, यह गुजरात का मशहूर फाफड़ा और जलेबी। आइए देखें इसका स्वाद कैसा है। दोस्तों मैं बहुत बड़ी चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ आपके सामने आज अपने इस ब्लॉग में। हम खड़े हैं इस समय पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए दमन के इस किले में जो नानी दमन जेटी पर है, और यहाँ से आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ गहरे से बेसमेंट में आ रही हैं, और ये सामने बनी है जेल, बेहद खतरनाक जेल है ये। और बड़े शोषण की भावना से बनाई गई है, आप ये देख कर महसूस कर सकते हैं इसकी दीवारें। और बड़ा रोमांच आएगा, मुझे सीरन हो रही है। मैं इस जेल के कैदखाने के अंदर आपको ले चल रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो जगह जहाँ पर हमारे देश के, हमारे दमन की धरती के बहुत सारे क्रांतिकारियों को जबरन पुर्तगाली शासन में इस कैदखाने में रखा गया था। तो मैं उन सभी सेनानियों को नमन करता हुआ आपको इस खतरनाक जेल की दीवारें, वो दरो दीवारें जिनमें उनकी चीखें शायद सिमट कर रह गई हों, जीवन के कई अच्छे साल गुजार दिए हों, वहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। छोटा सा रोशनदान, यही एकमात्र जीने की किरण थी। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत गहरी सी खाई बनाई हुई है, यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश करे इस गहरी खाई में तो डूब जाएगा। उस समय इसमें पानी भर के रखते थे। साथियों दमन त्योहारों की धरती है, यहाँ पर लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए मस्त रहते हुए नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के भक्ति गीतों पर थिरक थिरक कर गरबा करते हुए बड़े उल्लास के साथ भक्ति भाव में डूबे दिखाई देते हैं। साथियों ये नानी दमन फोर्ट के अंदर स्थित चर्च है, जहां संबंधित धर्म के फॉलोअर्स द्वारा प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। नानी मतलब छोटी, इधर मोटी दमन यानी बड़ी दमन, दो कस्बों को जोड़ने वाला ये पुल राजीव गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। और ये दमन गंगा नदी इधर से बहकर आ रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये दमन गंगा नदी गुजरात के काफ़ी क्षेत्रों से होती हुई धीरे धीरे यहाँ पर आकर समुद्र से मिल जाती है। तो एक तरह से हम संगम स्थल पर खड़े हैं, और ये संगम स्थल आप देख रहे हैं जो दमन गंगा और समुद्र यानी अरब सागर का ये मिलन बिंदु है। सामने एक पुराना पुल है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, बेहद दुखद, बेहद पीड़ादायक। इस पुल के अचानक टूट जाने से दमन के एक बहुत रिनाउंड स्कूल के कई बच्चे और टीचर भी इस समुद्र में, उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। हम सबकी श्रद्धांजलि है उनको, उनकी आत्मा अनंत शांति को प्राप्त करें।
एक तरफ समुद्र में बढ़ा हुआ जलस्तर भय पैदा करता है, तो दूसरी ओर समुद्र की सतह पर ये रंग बिरंगी बोट्स समुद्र के सौंदर्य को अत्यंत बढ़ा देती हैं। बड़ा मनोरम दृश्य हो जाता है। देखिए प्यारा सा नज़ारा आपके सामने नानी दमन जेटी का। मित्रों समुद्र के किनारे खड़ी हुई ये असंख्य बोट्स एक तरफ जहाँ समुद्र के सौंदर्य को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं, वहीं ये बोट्स दमन की जनता के लिए आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इन नावों में बैठकर कई सारे क्रू मेंबर्स समुद्र की गहराइयों में जाते हैं और वहाँ से वो फिशिंग करते हैं। वे अपने साथ साथ नाव में बर्फ भी ले जाते हैं जिनमें समुद्र से पकड़ी गई मछलियों को फ्रीज करके रखा जाता है। इनकी पूरी एक टीम होती है और इन बोट्स के ओनर के सीफूड मिलते हैं। एक अच्छे लीडर और बड़े जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं जो अपने टीम मेंबर्स में हलवा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं बेहद स्वादिष्ट मछली और उन्हें लंबे समय तक समुद्र में फिशिंग के लिए तैयार रखते हैं। ये बच्चों की सबसे प्यारी जगह देवका बीच पर गो अमेजिका अम्यूजमेंट पार्क है। आइए इसकी सैर करते हैं और बच्चों को दिखाते हैं उनकी प्यारी सी जगह। मतदान अत्यंत आवश्यक कार्य है। जब आप मत का दान करते हैं अपने तो सरकारें बनती हैं, इसलिए जब भी चुनाव हो वोट जरूर दें। ये मेरे बेटे रजत हैं, दमन की बहुत प्रसिद्ध जगह, बहुत ही प्यारी सी लोकेशन मीरा सोल लेक रिसॉर्ट में बोटिंग करते हुए मेरे साथ आप यहाँ घूम सकते हैं। आपको ये आइलैंड की तरह एक छोटी सी जगह बहुत प्यारी लगेगी। राजेश भाई आप जब भी दमन आए बहुत अच्छी जगह आइए और घूमिए और राजेश जी से मिलिए, आपको बड़ी केयर के साथ बड़ी केयरिंग सर्विस मिलेगी। आपको फोर व्हीलर बड़े कंफर्टेबल और बड़े रीजनेबल प्राइस में, पहले तो दमन का आप एक अच्छा टूर कीजिए, साथ ही साथ आप यहाँ से सापुतारा मुंबई और भी जो नियरेस्ट प्लेस है उसे विजिट कर सकते हैं। तो इनके पास पूरी एजेंसी है, आपको हर टाइप की व्हीकल बड़े रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगी और बड़ा कम्फर्ट फील करेंगे आप। और इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जब भी दमन आ रहे हैं आप प्री प्लान वे में इनसे बात करके आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी और आप इन्हें थैंक्स करेंगे ज़रूर। मित्रों इस तरह हमारे ब्लॉग के साथ आप दमन को अच्छी तरह घूम चुके हैं। साथियों मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ भी अच्छा देखूँ सुनूँ और लिखूँ वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। ये ब्लॉग हमारी इसी क्रिएटिविटी की एक छोटी सी शुरुआत है। साथियों इसे खूब प्रोत्साहित कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों संबंधियों रिश्तेदारों को खूब शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों दमन आने के लिए आपको 2 दिनों का समय पर्याप्त है। इन 2 दिनों में आप दमन की सारी लोकेशंस बीचेस वाटर स्पोर्ट्स सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। दमन आने के लिए सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का।
यदि आप बारिश की फुहारों का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के बीच आ सकते हैं। इस समय यहाँ पर रिमझिम फुहारों का दौर होता है और यहाँ बारिश दिन में कभी भी आती जाती रहती है। सबसे अच्छी बात है कि दमन की बारिश में हवा कितनी भी तेज हो आपको ठंड नहीं लगती। यदि रिमझिम फुहारों का आनंद लेना है, समुद्र से उठते हुए बादलों को बरसते हुए देखना है तो आप जुलाई के मौसम में भी दमन आ सकते हैं। लेकिन दमन आने के लिए सबसे अच्छा समय 19 दिसंबर के आसपास का होता है। जैसा हमने आपसे चर्चा भी की 19 दिसंबर 1961 को दमन पुर्तगालियों के कुशासन से मुक्त हुआ था, तो इस दिन 19 दिसंबर को दमन प्रशासन द्वारा दमन मुक्ति दिवस अर्थात दमन लिबरेशन डे का व्यापक आयोजन किया जाता है। इसमें ढेर सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, डेकोरेशंस, बहुत ही बेहतरीन ढंग से शहर को सजाया जाता है। दुल्हन की तरह शहर सज जाता है, चारों तरफ खुशियाँ छाई रहती हैं। कभी कभी बड़े बड़े कवि सम्मेलन, मुंबई की बड़ी बड़ी टीम्स आकर के यहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम प्रेजेंट करती हैं दमन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। फिर आप दमन घूमना चाहते हैं तो 19 दिसंबर के आसपास दमन आना सर्वोत्तम रहेगा। मित्रों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दमन आने के लिए दीव, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई से सारे रूट्स दे रखे हैं, उसे आप देख लीजिएगा। दमन के टैक्सी ऑपरेटर्स के नंबर, दमन से वापी होकर नियरेस्ट प्लेसेस पर जाने के साधन, दमन से दीव जाने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर की जो फैसिलिटी है उसे बुक करने के लिए वेबसाइट की डिटेल्स दे रखे हैं। आप दमन आइए, एंजॉय कीजिए। यदि आप दमन में रहते होंगे तो निश्चित रूप से दमन की सुंदरता से परिचित होंगे। यदि आप दमन रहकर कहीं दूर चले गए होंगे तो दमन आपको जरूर याद आता होगा। साथियों, हमारे वीडियोज के माध्यम से दमन को देखिए, दमन को समझिए और यहाँ आकर के टूरिज्म का आनंद लीजिए। साथियों, आइए दमन घूमने के लिए खर्चों पर विचार कर लेते हैं। दमन में हर स्तर के होटल्स हैं। यहाँ की लॉजिंग नॉर्मल रेट से लेकर के काफी महंगे होटल तक आपको उपलब्ध है। डेल्टिन जैसा 5-स्टार फैसिलिटीज युक्त होटल भी यहाँ पर है। फिर भी एक औसत सुविधा वाले अच्छे होटल की जो मिनिमम खर्च की व्यवस्था है वो आप मानकर चलिए कि 2000 रुपये में एक बहुत अच्छा होटल यहाँ मिल जाएगा। यदि आप इससे थोड़ा सस्ते और सुविधाजनक भी होटल चाहते हैं तो वो देवका बीच पर छोटे छोटे घरों में गेस्ट हाउस की फैसिलिटी है, आप वहाँ भी सेफली स्टे कर सकते हैं। तो 2 दिनों के लिए 4000 रुपये होटल के खर्च। मील्स भी यहाँ पर वेज और नॉन वेज बड़े अच्छे उपलब्ध हैं। लगभग अच्छी हर जगहों पर आपको अच्छे भोजन की सुविधा मिल जाएगी। तो 2 लोगों का भोजन आपको लगभग 1500 रुपये में आप पूरे दिन का 2 लोगों का लंच डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो 2 दिन का 3000 ले लीजिए मील्स का खर्च, 4000 होटल का खर्च, 7000 हो गए, 2000 टैक्सी, 9000 छोटे मोटे खर्च मिलाकर 10000 रुपये में दमन आप अच्छी तरह घूम सकते हैं सामान्य सुविधाओं के साथ। यदि आप इससे बेहतरीन सुविधा चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा बजट बढ़ाना होंगे। और दमन बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है, बहुत प्यारी सी जगह है, बड़ा प्यारा सा टूरिस्ट प्लेस है। हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी दूंगा जिसमें आप अपने फेवरेट स्टार्स विशेषकर भोजपुरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की बड़ी पसंदीदा जगह रही है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, कई फिल्मों के गाने शूट हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो डिटेल्स आपके लिए रखूँगा, उन्हें देखकर आप अपने पसंदीदा हीरो हीरोइंस को यहाँ पर डांस करते हुए देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट दी डोमिनियन नाम की बिल्डिंग जो आज खंडहर हो गई है, ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है जिसे पुर्तगालियों से भारतवासियों ने आजाद कराया है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो मित्रों, इस तरह से दमन बहुत ही प्यारा है, आप इसे एंजॉय कीजिए, घूमिए। और देश में जब तक कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव है हमेशा मास्क लगा कर रखिए, खुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि अपने आसपास सदैव स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छ भारत अभियान में सरकार का व्यवस्था का सहयोग करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग
एंड मेंटेन योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। मित्रों, आज का दिन 19 दिसंबर दमन लिबरेशन डे अर्थात दमन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन दमन पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद होकर अखंड भारत का अभिन्न अंग बना। हमारी कामना है कि हमारा तिरंगा सदैव बुलंदियों के साथ लहराता रहे। सभी देशवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। जय हिंद।